नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वीरी टीवी उत्तर प्रदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद शुक्रवार को नगर निगम का अमला कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइट पहुंचा, जहां पर भारतीय रेल विभाग व नगर निगम अधिकारियों ने प्लास्टिक मुक्त कानपुर बनाने की शपथ ली। शपथ लेने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने घंटाघर के आसपास व बाजारों में सफाई अभियान की शुरुआत। लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम अधिकारियों ने थैले भी वितरित किए। नगर आयुक्त शिव शरण जीएन ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन में लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। सर, क्या कार्यक्रम किया है? ये सिंगल यूज प्लास्टिक का जो बैन हुआ है, इसमें हम लोगों को जागरूक करने के लिए आज रेलवे स्टेशन में भी कार्यक्रम किया, जिसमें हमने प्लास्टिक का इकट्ठा भी किया है और लोगों को जो प्लास्टिक का अल्टरनेटिव है, जैसे कपड़े का बैग है, ये सब भी डोनेट किया है। और शॉपिंग की ओर से अनुरोध भी किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। इसी तरह सभी लोगों को यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन में लोग थे, उनसे भी हमने शपथ दिलवाया ताकि लोगों ने एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानपुर से हैदर अली की रिपोर्ट।